तो हम लोग इस गली से जा रहे हैं और इस गली के पीछे साइड पे संकट मोचन हनुमान जी का मंदिर है। संकट मोचन हनुमान जी का मंदिर है। यहाँ पे लड्डू ले लिया है हम लोगों ने, प्रसाद ले लिया है और फूल ले लिया, माला। अब चल रहे हैं अंदर मंदिर के दर्शन करने के लिए। मुख्य द्वार संकट मोचन प्राचीन मंदिर। खुलने बाद दो रुपया है। इस मंदिर में रिकॉर्डिंग तो अलाउ नहीं थी। जो ये आप पहाड़ देख रहे हैं, छोटा सा जंगल बोला जाता है, 600 साल पुराना जंगल है। यहीं पे भगवान श्री हनुमान जी ने तुलसीदास जी को दर्शन दिए थे और जो तुलसीदास जी थे उन्होंने यहाँ पे भगवान हनुमान जी की मूर्ति स्थापित करके पूजना स्टार्ट किया था। दोस्तों, इस मंदिर में वीडियो रिकॉर्डिंग बिल्कुल अलाउ नहीं है। यहीं पे आप घुसते ही यहाँ पे फोन जमे हो जाते हैं, तो आप अंदर रिकॉर्डिंग बिल्कुल नहीं कर सकते हैं। उसका रीज़न क्या है ये जानना बहुत ज़रूरी है। तो इसका रीज़न है, आपको पता होगा वाराणसी में बम ब्लास्ट हुए थे, हर 5 मिनट के गैप में शायद 12 हुए थे। तो उसी वजह से यहाँ पे रोक लगी है। जो बम ब्लास्ट हुए थे हर 5 मिनट के, वो भगवान जी गर्भगृह के पास ही में हुए थे और इस वजह से यहाँ पे बिल्कुल स्ट्रिक्ट रूल बना दिया गया कि आज के बाद आप मोबाइल या कुछ भी ऐसा इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस या बैग लेके नहीं जा सकते। केवल आप अपना मतलब नॉर्मल जाएंगे प्रसाद लेके, उसके अलावा कुछ भी अलाउ नहीं रहेगा। तो ऐसा बना दिया गया है अब रूल, पहले नहीं था, जब से ये घटना हुई है। और ये एक अच्छी चीज़ है कि आप इतना स्ट्रिक्ट रहें, क्योंकि किसी ने पहले क्या था, लीनियंसी थी, किसी को नहीं पता होता है कि ऐसा भी कोई कर सकता है, वो भी भगवान के ग्रह में, घर में आके। सो इसलिए ऐसा रूल बना दिया गया। तो दोस्तों, दर्शन के लिए मैंने कोशिश की है, अगर मुझे वीडियोस मिल जाते हैं तो मैं उनको इसमें ऐड कर दूंगा। आपको दर्शन हो गए होंगे अब तक, अगर नहीं मिले तो उसका रीज़न यही था। तो दोस्तों, आज के लिए इतना ही, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। सियावर रामचंद्र जी की जय। ओम नमः शिवाय। जय माता दी।